अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां नगर निगम की एमआईसी की बैठक गत दिवस हुई, जिसमें बड़ा निर्णय लिया गया है। बैठक में भूमि पूजन और लोकार्पण के कार्यक्रम में केवल महापौर ही मुख्य अतिथि होंगे, जबकि भूमि पूजन के कार्य आधिकारिक रूप से आयुक्त के निर्देश पर 5 दिवस की पूर्व सूचना पर किए जाएंगे। नगर निगम द्वारा किए जाने वाले भूमि पूजन लोकार्पण के मुख्य अतिथि महापौर के साथ निगम के आयुक्त, संबंधित प्रभारी सदस्य एवं अधीक्षण यंत्री रहेंगे। जोन प्रभारी एवं कार्यपालन यंत्री संबंधित वार्ड के पार्षदों को इसकी सूचना समय पूर्व देंगे। साथ ही सहायक यंत्री, उपयंत्री, समय पाल भी योजना एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उपस्थित होंगे। एमआईसी ने यह भी निर्णय लिया है कि किसी भी कार्य का भूमि पूजन सादे समारोह में किया जाएगा, जिसमें नारियल अगरबत्ती से ही भूमि पूजन होगा। कोई भी टेंट आदि नहीं लगाया जाएगा। भूमि पूजन के बाद ही उसी दिन लेआउट दिया जाकर कार्य प्रारंभ किया जाएगा। साथ ही निर्माण पंजी बनाकर इसमें दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें कि नगर निगम में कांग्रेस की सरकार आते ही महापौर अजय मिश्रा बाबा ने फिजूल खर्ची और दिखावा रोकने के लिए शासकीय वाहन लेने से इनकार किया था। साथ ही जनहित के लिए कई निर्णय ले चुके हैं। परिषद में भाजपा का बहुमत है, जबकि विधायक भी भाजपा के हैं, जिसके चलते कई बार टकराव की स्थिति निर्मित होती थी। भूमि पूजन को लेकर विवाद भी हो रहा था, जिसके चलते एमआईसी ने अब रीवा नगर निगम के अंदर होने वाले विकास कार्यों में मुख्य अतिथि महापौर के शामिल होने का प्रस्ताव पास कर विधायक राजेंद्र शुक्ला के पर कतरने की कोशिश की है। आज ये भी निर्देश जारी किया गया है कि नगर के विकास कार्यों के भूमि पूजन लोकार्पण के संबंध में कोई भी निर्धारित प्रक्रिया नहीं होने के कारण यहाँ पर अपने मन से जो भर्रेशाही चल रही है उस पर अंकुश लगाया जाए और अब भूमि पूजन की जो प्रक्रिया होगी वो कार्य आदेश जारी होने के बाद होगी और आधिकारिक रूप से होगी। आयुक्त को इसका निर्देश दिया गया है कि आप इसको प्रशासनिक ढंग से करेंगे, 5 दिवस पूर्व संबंधित लोगों को सूचित किया जाएगा। महापौर के मुख्य अतिथि में सारे 45 वार्डों के भूमि पूजन होंगे। नगर निगम 1956 के अधिनियम में महापौर, मेयर इन काउंसिल और आयुक्त को ही सारी शक्तियां हैं, बाकी किसी को कोई शक्तियां नहीं हैं। ये विधिवत सबको जानकारी है और इसकी जानकारी जिसको नहीं है उसको एक्ट का अध्ययन भी कर लेना चाहिए। 5 दिवस के पूर्व जब ये सूचना दे देंगे उसके बाद जोन प्रभारी संबंधित वार्ड के पार्षद को बताएंगे और विधिवत सादे समारोह, एक नारियल अगरबत्ती बिना टेंट पंडाल के जो प्रक्रिया हम लोगों ने चालू की है कि ठेकेदार के ऊपर अतिरिक्त भार न पड़े, काम गुणवत्ता विहीन ना हो और जनता के सुविधा का काम हो, तो उस प्रक्रिया के अंतर्गत इसका पालन किया जाए, ऐसा निर्देश एमआईसी के द्वारा दे दिया गया है। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए। रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।